एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बागीचे में सैर करने के लिए निकला, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए से हैं। राजा बहुत ज्यादा चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछना शुरू किया। ओक वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। अब अंगूर लता इसलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। राजा थोड़ा आगे गया, उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी में नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका हूं लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी हुए बैठे हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय दूसरों की अपने से तुलना कर रहे हैं, इसीलिए वो दुखी हैं। जबकि मैंने यह मान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बागीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवाते, इसीलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूं और प्रसन्न रहता हूं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश छिपा है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने की बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन जैसे क्यों नहीं हैं। ना तो हम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर सकते हैं, ना अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग कर सकते हैं, और ना ही हम उसेन बोल्ट की तरह दौड़ सकते हैं या रॉजर फेडरर की तरह टेनिस खेल सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी व्यक्ति अलग अलग हैं और सभी की विशेषताएं अलग हैं। हम जैसे हैं वैसे ही अस्तित्व में हमें जीना चाहिए। हम सभी में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो अन्य लोगों में नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें पहचानने की और उस क्वालिटी को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। हम सभी में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो अन्य लोगों में नहीं है, तो दोस्तों अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां सदैव